वेलकम बैक टू माय चैनल इशारा एंड मैं हूँ स्मृति। आज हम लोग बात करेंगे एक ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड और वो ब्यूटी प्रोडक्ट है लकमे 925 सीसी क्रीम। और डियर ये मुझे एक मेरी स्वीट सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसका आप रिव्यू एंड डेमो करो। अगर वो मेरा ये वीडियो देख रही है तो मेरी तरफ से पहले सॉरी कि मुझे इतना डिले हो गया। वो डिले क्यों हो गया? वो डिले इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पास लैक्मे की सीसी क्रीम थी ही नहीं। जब ये प्रोवाइड हुई है मुझे और मुझे तुरंत मैंने इसको पहले लगाया है, देखा है और ये आप डेमो में देखोगे। मैंने ये जो मेकअप लुक क्रिएट किया है ये मैंने यही सीसी क्रीम लगाई है। और मैं भी जो ये मेरी वीडियो देख रही है उनकी रिक्वेस्ट जो है वो मैं पूरी कर पाई हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक एक चीज आपको बता पाऊं जिससे कि अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने में तो आपका फैसला है। मैं बताऊंगी आपको लेना है कि नहीं लेना है, यह आपका अपना फैसला होगा। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो में जाने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल और हिट द बेल बटन जिससे आने वाली सारी वीडियो से आप अपडेटेड रहो। और आप कर सकते हैं मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो प्लीज गिव मी अ लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट एज आई नीड इट। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो डियर अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो ये बहुत ही इस टाइप की ही पैकेजिंग में आता है। पिंक, डार्क पिंक मर्जेंटा आप कह लो या डार्क पिंक कलर का शेड है, बहुत ही प्यारा शेड लगता है ये। एंड यहाँ पे लिखा होगा लैक्मे 925 सीसी क्रीम। सीसी क्रीम मतलब कॉम्प्लेक्शन केयर, बीबी ब्यूटी बाम सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर। और इसमें जो है डियर मैं बता दू इसमें 4 शेड्स अवेलेबल है, बेज ब्रॉन्ज हनी आलमंड। हनी एंड आलमंड जो है वो डीप स्किन टोन जिसकी होती है, जो डीपर स्किन टोन में आते हैं उनके लिए होती है। और बेज और ब्रॉन्ज जो नॉर्मल टू फेयर स्किन टोन में आते हैं, व्हीटिश एंड फेयर स्किन टोन में आते हैं, वो बेज या ब्रॉन्ज में से कोई भी शेड ले सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ज्यादातर ब्रॉन्ज एंड बेज शेड ही अवेलेबल होता है, हनी एंड आलमंड शेड अवेलेबल इतना नहीं होता है। और इस सीसी क्रीम को लेने में बस एक यही लोचा होता है डियर कि इसको शेड को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलता है, तो आपको ऑनलाइन सर्च करके ही मंगाना पड़ेगा। और अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो मैंने पैकेजिंग की बात तो कर ली है यार, सॉरी है। एंड इसमें लिखा है ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिश, इसमें है एसपीएफ, इसमें है एसपीएफ 30 पीए प्लस प्लस, राइट। और इसका नेट वेट है, इसकी क्वांटिटी है 30 ग्राम्स, ये 30 ग्राम्स का प्रोडक्ट है। और इसकी रिटेल प्राइस है 299 रुपीज। अगर आप लोकल मार्केट में लोगे डियर तो ये उतने की ही मिलेगी, बट अगर आप ऑनलाइन लोगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप पर्पल से ले लो, फ्लिपकार्ट से ले लो, अमेजोन से ले लो, नायका से ले लो, कहीं से भी ले लो, ये ब्रांड इतना बढ़िया है कि हर जगह से, इंटरनेशनल ब्रांड है ये, हर जगह अवेलेबल है। एंड इसमें ये क्लेम करता है कि क्या नाम है, इंस्टेंट स्किन आपको स्किन क्रीम है, राइट टच टू मेकअप गिव्स यू अ फ्लॉलेस लुक, इस टाइप से ये क्लेम करता है। और या इट इज मेड इन इंडिया, ये इंडिया का प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिया का प्रोडक्ट है। एंड कॉम्प्लेक्शन केयर है, बहुत बढ़िया वाली है। नेक्स्ट अगर मैं इसके इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 5/2019 और इसकी एक्सपायरी है 4/2021। इट मींस कि ये 3 साल आराम से चल सकती है, जो कि ज्यादातर प्रोडक्ट चलते हैं। अच्छा, आपका जो शेड है वो आपने कहाँ मेंशन किया होगा? आपका जो शेड है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया होगा। मेरा शेड है ब्रॉन्ज, आप देख सकते हो मेरा शेड है ब्रॉन्ज और बहुत सूट कर गया मेरी स्किन को। नाउ मैं आपको बताऊं कि ये जो क्रीम है बीबी क्रीम, पॉन्ड्स जो है मेरे पास, पॉन्ड्स बीबी क्रीम है, मैंने उसका भी रिव्यू किया है, देन मैं लैक्मे का कर रही हूं। पॉन्ड्स बीबी क्रीम अच्छी है, बहुत अच्छी है, नो डाउट, वो हर स्किन टोन वालों पे सूट कर जाती है।
बट जो ये वाली क्रीम है मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है तो मेक श्योर कि आप इसको अप्लाई करने से पहले अपने स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगने के बाद थोड़ी सी ड्राइनेस इफेक्ट देती है, थोड़ी ड्राई उसमें चली जाती है, क्योंकि मैंने भी जब लगाया तो। और दूसरा, ये ब्लेंड बहुत एफर्टलेसली नहीं होती है, आपको ब्लेंड करने में, मैंने अपने फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड की थी, तो ब्लेंड करने में इसको थोड़ी सी दिक्कत होती है डियर, तो आपको टाइम देना होगा ब्लेंड करने के लिए। और सेट होने में, जैसे पहले आप लगा लोगी तो आपकी स्किन एकदम व्हाइट व्हाइट सी लगेगी, तो डियर आप डरना नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये सेट हो जाती है धीरे धीरे आपकी स्किन पे। पहले तो व्हाइट व्हाइट लगेगी पर धीरे धीरे आपकी स्किन पे सेट हो जाती है डियर। ये उस मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट है जब ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है, जब आपका पसीना नहीं सूखता है, बहुत चिपचिपाहट सी होती है, तो उस मौसम के लिए आई थिंक दैट दिस क्रीम इज बेस्ट। और जिनकी ऑयली स्किन है वो तो डेफिनेटली ये लगा सकते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स लगा सकती हैं, ऑफिस गोइंग कोई भी लगा सकता है। इनफैक्ट आप इसको लगा के एक अच्छा खासा मेकअप भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है, मैंने बेस इसी का लिया है। मैंने जब शूट करने के लिए मैंने जब अप्लाई किया है, तो मैंने वो भी शूट किया, आप डेमो में देख लीजिएगा। एंड अंदर की अगर मैं उसकी बात करूं तो ये इस टाइप से ट्यूब मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो, कोरल पिंक शेड आप कह सकते हो इसको। एंड इसमें भी यहाँ पे भी इसका इस टाइप से लिखा हुआ है, और पीछे भी जो भी इंग्रेडिएंट्स है डियर वो सब दिए हुए हैं इसमें। ये आपकी इवन स्किन टोन्स करती है, ये मॉइस्चराइज करती है, ब्राइटन्स करती है, कंसील्स करती है एंड फ्रेशनेस लाती है। या ये सब तो है बट मॉइस्चराइज नहीं करती है डियर, ट्रस्ट मीडिया, ये मॉइस्चराइज नहीं करती है आपकी स्किन को। आप इसको लगाने के बाद आपकी स्किन में ड्राइनेस होगी, आप खुद फील करोगे कि आपकी स्किन में ड्राइनेस है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूं, तो आप मेक श्योर कि आप अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लो, अपनी स्किन पे सेट हो जाए मॉइस्चराइजर, देन आप इसको अप्लाई करो। और इसको अप्लाई करने के बाद कॉम्पैक्ट जो है वो आप सिर्फ अपने आईलेट्स पे अप्लाई करो डियर, और कहीं नहीं अप्लाई करो, वरना और ड्राई हो जाएगी, और थोड़े थोड़े समय के बाद आपको फाइन लाइन्स यहाँ पे दिखने लगेगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप यूज करिएगा, और इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखा दूं आपको, ये मैंने एक पंप लिया है एंड मैं इसको ब्लेंड करके दिखाती हूं। ये देखिए, यू कैन सी। और ब्लेंडिंग में डियर जरूर टाइम दीजिएगा, क्योंकि ब्लेंडिंग में अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपका बेस अच्छा नहीं होगा, आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। आप ब्लेंडिंग में जरूर टाइम दीजिएगा। इस टाइप से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, यू कैन सी, आप देख सकते हो तुरंत इवन टोन हो गया है, एंड मेरा जो हाथ है आप देख सकते हो फर्क आ गया है दोनों में। तो मैंने आपको हाथ का तो लाइव डेमो दे दिया है, अब चलिए अब इसका हम बढ़िया सा डेमो देखते हैं। तो चलिए फटाफट से डेमो देखते हैं। अच्छी तरीके से अपनी ये सीसी क्रीम अप्लाई कर ली अपने पूरे फेस पे, और इसने अच्छा खासा कवरेज दिया है मेरी स्किन को, जैसा आप देख सकते हो। और मैंने अभी कोई भी पाउडर सेटिंग नहीं की है, एंड अच्छी, नाइस, काफी अच्छी है, आप देख सकते हो। कहीं भी मेरी जो अगर अनइवन स्किन टोन को इवन किया है तो मुझे तो अच्छी लगी। अब मैं अपने पूरे मेकअप को अच्छे से पाउडर सेटिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, तो डियर ये था मेरा आज का वीडियो, आज का मेरा रिव्यू एंड डेमो ऑफ लैक्मे सीसी क्रीम। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो आपको मेरे बताने का तरीका। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज प्लीज
आई हैव अ रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल बटन और आप कर सकते हैं मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा एंड एज आई नीड योर लव एंड लॉट्स ऑफ सपोर्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।